हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फ्रॉग का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कौन कौन सी ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग की कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मीनिंग होता है यहाँ पे एक पोर इजेशन के लिए होगा, एक पोर इजेशन के लिए होगा, ठीक है। एक से इंजेशन होगा, दूसरे से इजेशन होगा। तो जहां से इंजेशन होता है उसको माउथ बोला जाता है, जहां से इजेशन होता है उसको क्लोइका बोला जाता है। टर्म इंपॉर्टेंट है क्लोइका। क्लोइका क्या होती है? एक पोर होती है, एक ओपनिंग होती है तीन सिस्टम्स की। तीन सिस्टम में एक यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेकेंड यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, थर्ड यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इन तीन सिस्टम की ये कॉमन ओपनिंग होती है क्लोइका। तो फ्रॉग के अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, इंजेशन के लिए माउथ होता है, इजेशन के लिए क्लोइका होती है। एंड ये जो एलिमेंट्री कैनाल है एक लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब होती है ऑफ वेरिंग डायमीटर, ठीक है, वेरिंग डायमीटर की होती है। एंड ये एक्सटेंड करती है माउथ टू क्लोइका। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड क्लोइका, ये पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसके अंदर लीवर और पेनक्रियाज इंक्लूड। तो वन बाय वन हम पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे, देन इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, फर्स्ट पार्ट माउथ। माउथ जो होगा यहाँ पे एक वाइड गैप होता है। माउथ इज अ वेरी वाइड गैप एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्नाउट टू द अदर। स्नाउट जो होता है यहाँ पे, स्नाउट के एक साइड से स्टार्ट होके दूसरे साइड तक ये देखा जाता है, उस तक ये प्रेजेंट होता है। इट इज बाउंडेड बाय टू बोनी जार्स, दो बोनी जा होती है यहाँ पे, ठीक है, टू बोनी जा होती है। कवर्ड बाय इमूवेबल लिप्स, लिप्स क्या होते हैं यहाँ पे? इमूवेबल होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते। दो यहाँ पे बोनी जार्स होंगी एंड इसके अलावा यहाँ पे लिप्स होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो है ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन ये है अपर जा, नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये है लोअर जा। एंड इसमें अपर जा वाले पोर्शन में ये जो लाइन है ये क्या है? ये टिथ है। लोअर वाले में ऐसी कोई लाइन नहीं है, यानी ऐसे कोई इसके अंदर कोई टिथ नहीं होती है। तो यहाँ पे एक अपर जा होती है, एक लोअर जा होती है एंड ये दोनों के दोनों कवर किए जाते हैं इमूवेबल लिप्स के थ्रू। अपर जा फिक्स्ड होती है, ठीक है, अपर जा फिक्स्ड होती है, व्हाइल द लोअर जा कैन मूव अप एंड डाउन टू क्लोज द क्लोज और ओपन द माउथ। माउथ को खोलने के लिए, बंद करने के लिए जो लोअर जा है वो मूव कर, लोअर जा जो है वो मूव करती है एंड वो हेल्प भी करती है। अपर जा फिक्स्ड होती है, ठीक है, अपर जा क्या होगी? फिक्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पोर्शन आता है बकल कैविटी, यानी कि जो माउथ है माउथ ओपन हो जाएगा बकल कैविटी के अंदर, ठीक है, बकल कैविटी के अंदर माउथ ओपन हो जाएगा। तो ये जो बकल कैविटी होती है, माउथ ओपन इनटू लार्ज वाइड स्वेलो ओरल और बकल कैविटी, माउथ लीड करेगा, माउथ ओपन हो जाएगा बकल कैविटी और ओरल कैविटी के अंदर। इट इज इट्स सिलिएटेड कोलुमुलर एपिथेलियल लाइनिंग। अब जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी लाइक ये ऐसे माउथ था यहाँ पे और माउथ से बक्कल कैविटी आई, तो बक्कल कैविटी की ये लाइनिंग होती है यहाँ पे। और ये लाइनिंग कैसी होती है? ये होती है सिलिएटेड कोलुमुलर एपिथेलियल लाइनिंग, सिलिएटेड कोलुमुलर एपिथेलियल लाइनिंग होती है यहाँ पे। अब इसके अंदर भी, इस लाइनिंग के अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगी? ये जो लाइनिंग है इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होगी। म्यूकस ग्लैंड्स का काम है सिक्रीशन का एंड ये सिक्रीट करती है म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करेंगी। म्यूकस क्या करेगा? फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगा, ताकि वो एनग्लफ कर लिया जाए, ठीक है। तो माउथ जो है एक लार्ज कैविटी के अंदर खुलेगा, उस लार्ज कैविटी को ओरल और बकल कैविटी बोला जाता है। अब उस ओरल और बकल कैविटी की जो लाइनिंग है
वो लाइनिंग बनी होती है सिलिएटेड कोलुमुलर एपिथेलियल सेल्स की, एंड इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड होती है। ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है जो कि फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। देर आर नो सेलिवरी ग्लैंड इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर कोई सेलिवरी ग्लैंड नहीं होती है, फ्रॉग के अंदर कोई सेलिवरी ग्लैंड नहीं होगी, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलता है। इसके बाद बकल कैविटी के अंदर टिथ होते हैं, टंग होती है, इंटरनल नोस्ट्रिंग एंड ब्लजिंग ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इंटरनल नेरिस, ये हो गई इंटरनल नेरिस हो गई। इसके अलावा यहाँ पे टिथ होते हैं, जैसे कि ये अपर जा के अंदर टिथ हो गई, एंड यहाँ पे टंग होती है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, टंग हो गया। एंड ऑर्बिट्स की यहाँ पे ब्लजिंग होती है। ठीक है, और जो अगर फ्रॉग को सर्च करके देखना, उसकी जो आईज होंगी वो थोड़ी सी ब्लज आउट होती है, तो यहाँ पे आईज की क्या होती है, ऑर्बिट्स की ब्लजिंग होती है। तो ये बकल कैविटी के अंदर चार पोर्शन होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। इनमें से सबसे फर्स्ट है, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, वेरी फर्स्ट इज द टिथ। ठीक है, टीथ जो है यहाँ पे, द लोअर जा लैक टीथ। हमने देख लिया कि लोअर जा के अंदर टीथ नहीं होते हैं, बट स्मॉल कॉनिकल बैकवर्डली पॉइंटेड टीथ अकर इन द रो ऑन आइदर साइड ऑफ द प्री मैगजिले एंड मैगजिले बोन्स ऑफ द अपर जा। लेकिन इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे क्या हो गए, ये प्री मैक्सिलरी टीथ होते हैं आगे की साइड, एंड यहाँ पे ये मैक्सिलरी टीथ होते हैं। तो इनके यहाँ पे क्या है, ये टीथ देखने को मिलते हैं अपर जा के अंदर, लोअर के अंदर नहीं होंगे, अपर के अंदर ही होंगे। यहाँ पे लोअर जा के अंदर कोई टीथ नहीं होते हैं, अपर जा के अंदर स्मॉल कॉनिकल बैकवर्डली पॉइंटेड। ठीक है, ये ऐसे बैकवर्डली पॉइंटेड टीथ देखने को मिलते हैं, एक रो देखने को मिलती है ऑन आइदर साइड ऑफ द प्री मैक्सिले और मैक्सिले बोन जो होती है वहां पे, और उसके अकॉर्डिंग ही इनको प्री मैक्सिले और मैक्सिले टीथ का नाम दिया जाता है। बिसाइड टू स्मॉल बोन्स इन द रूफ ऑफ द माउथ कॉल्ड वोमर्स। यहाँ पे ये मैक्सिलरी बोन हो गई, ये बोनी बेस हो गया, यहाँ पे ओपनिंग होगी पल्प कैविटी की, जिसके अंदर होगी ये पल्प कैविटी होगी, डेंटाइन होगी यहाँ पे इसके अराउंड, यहाँ पे डेंटाई के अंदर ये जो है ये कैनिकुलाई होती है, एंड इसके ऊपर इनेमल देखने को मिलता है, ये टीथ का एक सेक्शन हो गया। एंड यहाँ पे ये जो दो स्मॉल बोन्स है माउथ की रूफ के अंदर, इनको वोमर्स बोला जाता है, इनको वोमर्स बोला जाता है। आल्सो बियर टू ग्रुप्स ऑफ वोमेराइन टीथ, एंड इनके पास दो ग्रुप वोमेराइन टीथ के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बोन्स होती है रूफ ऑफ द माउथ के अंदर, उनको वोमर्स बोला जाता है, एंड वोमर्स के अंदर दो ग्रुप ऑफ वोमेराइन टीथ होते हैं। द टीथ आर नॉट मीन फॉर च्यूइंग, एंड ये जो टीथ है वो च्यूइंग के लिए नहीं है, वो चबाने के लिए नहीं है, दे सिंपली होल्ड द प्रे एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग आउट। ये प्रे को क्या कर लेती, होल्ड करती है ताकि वो वापस बाहर ना गिर सके, इनका काम सिर्फ इतना सा होता है। टीथ आर सिमिलर यानी कि होमोडोंट होते हैं, नॉट सेट इन अ सॉकेट, ये सॉकेट के अंदर नहीं होते हैं, यानी एक्रोडेंट होते, एक्रोडोंट होते हैं, होमोडोंट और एक्रोडोंट, बट ईच अटैच टू द जा बोन। लेकिन एक बोन होती है, लाइक ये बोनी बेस हो गया, जा बोन होगी, उससे ये अटैच होते हैं बाई अ ब्रॉड बेस मेड ऑफ अ बेस बोन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बोनी बेस है इससे ये जुड़े हुए होते हैं, एंड किससे, जा बोन से जुड़े हुए होते हैं। टीथ होते हैं सिमिलर होते हैं, सॉकेट के अंदर नहीं होते हैं, अटैच होते हैं जा बोन से एक बोनी बेस के थ्रू। ठीक है, बोन लाइक स्ट्रक्चर और बोनी बेस के थ्रू ये अटैच होते हैं, तो ये टिथ हो गई। इसके बाद टिथ के बाद नेक्स्ट है यहाँ पे टंग। टंग की अगर हम बात करें, ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी लाइज अ लार्ज मस्कुलर स्टिकी प्रोट्रूजन टंग। एक स्टिकी प्रोट्रूजन बाहर निकलने वाली टंग यहाँ पे देखने को मिलती है माउथ के फ्लोर के ऊपर। माउथ का ये रूफ हो गया और ये नीचे वाला फ्लोर होगा, तो ये फ्लोर के ऊपर होती है, लाइक रूफ के अंदर ये वाली जो है, यहाँ पे इन ब्लजिंग होती है आई बाल की, यहाँ पे इस जगह पे ये रूफ हो गई, एंड इस रूफ के अंदर इसके ऊपर यहाँ पे इंटरनल नेरिस हो गई, अपर जा हो गई, अपर लिप हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे प्री मैक्सिलरी टीथ और मैक्सिलरी टीथ देखने को मिलेंगे।
तो ये होता है, ये नीचे वाला क्या होगा, फ्लोर होगा। जैसे कि ये ऊपर वाला जो है एक पोर्शन, उसको रूफ बोला जाता है, नीचे वाले को फ्लोर बोला जाता है। सेम माउथ के अंदर भी होगा, माउथ जब ऐसे ओपन होगा तो इसको रूफ बोला जाएगा और नीचे वाले को फ्लोर बोला जाएगा। तो फ्लोर के ऊपर टंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंड टंग जो है स्टिकी होती है, प्रोट्रूजेबल होती है। इट्स एंटीरियर एंड इज अटैच टू द इनर बॉर्डर ऑफ द लोअर जा, एंड लोअर जा के इनर बॉर्डर से एंटीरियर एंड पे ये जुड़ी हुई होती है। इट्स पोस्टियर एंड इज फ्री एंड बाइफिड। इसका जो पोस्टियर पार्ट है वो कैसा होता है, ऐसे फ्री होता है, और वो कैसा होता है, बाइफिड होता है, दो के अंदर बट जाता है। विच कैन बी फ्लिक्ड आउट एंड रिट्रैक्टेड सडनली आफ्टर द कैप्चरिंग द प्रे विद इट्स स्लाइमी सरफेस, क्योंकि इसका स्टिकी एंड स्लाइमी सरफेस होता है। तो ये जो है, ये पोर्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये अटैच्ड है एंटीरियर एंड ऑफ टंग किसे, लोअर जा से। एंड ये जो है, ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ निकलेगा जैसे ही इसको कोई प्रे या फिर जो भी इसका फूड है वो कैप्चर करना होगा, तो टंग के साथ वो स्टिक करके ले आएगा। तो ये टंग के अंदर, इसके अंदर होता है। तो ये सडनली ये फ्लिक्ड हो सकती है बाहर निकल के, और दोबारा से रिट्रैक्ट हो सकती है। द प्रोट्रूजन ऑफ द टंग इज ब्रॉट अबाउट बाई द चेंज ऑफ प्रेशर इन लार्ज सबलिंगुअल लिम्फ सैक। अब यहाँ पे ये जो प्रोट्रूजन होता है, या फिर ये बाहर निकलती है, अंदर जाती है, जो इसकी टंग होती है फ्रॉग की, वो किसके थ्रू होती है, प्रेशर के अंदर चेंज होता है। एंड किसके प्रेशर के अंदर चेंज होगा, लार्ज सबलिंगुअल लिम्फ सैक होती है, ठीक है, लार्ज सब लिंगुअल लिम्फ सैक होती है, उनके थ्रू, उनका प्रेशर जब चेंज होता है उसके थ्रू ये बाहर निकलती है, प्रोड्यूस होती है, या फिर ये वापस अंदर चली जाती है। इसके बाद थर्ड वन इज द इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है, इंटरनल नोस्ट्रिल्स जो होते हैं, ये इंटरनल नोस्ट्रिल हो गए यहाँ पे, एंड ये वोमेराइन टीथ हो गए इसके साइड में। द रूफ, रूफ के अंदर है ये, रूफ ऑफ द बकल कैविटी कंटेन्स एंटीरियरली, आगे की साइड है, इन जस्ट फ्रंट ऑफ द वोमेराइन टीथ। वोमेराइन टीथ के फ्रंट में एक पेयर होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है इंटरनल नेरिस की, बाय विच द नेजल कैविटी ओपन टू द बक्कल कैविटी, एंड इनके थ्रू नेजल कैविटी बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होती है। द एड इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करेंगे। इसके बाद फोर्थ वन इज द ब्लजिंग ऑफ ऑर्बिट्स बिहाइंड वोमेराइन टीथ, ठीक है, वोमेराइन टीथ के बिहाइंड यहाँ पे रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी शोज टू लार्ज ओवल एंड समवट पेल एरियाज। यहाँ पे समवट पेल एरियाज नजर आते हैं, ओवल एंड पेल एरियाज। द ब्लजिंग ऑफ आई बोल वाइल स्वेलोइंग फूड फ्रॉग डिप्रेसेस द आईज कॉजिंग द ऑर्बिट्स टू ब्लज इनवर्ड। वो अंदर की साइड इनवर्ड ब्लज कर जाते हैं, एंड पुश द फूड टूवर्ड्स द फेरिंग्स, एंड ये क्या कर लेते हैं, फूड को जो है फेरिंग्स के अंदर, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स के अंदर पुश कर देते हैं। तो ये काम होता है इनकी ऑर्बिट्स की ब्लजिंग का। वोमेराइन टीथ के रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, यहाँ पे दो लार्ज ओवल एंड समवट पेल कलर के एरियाज होते हैं, इनको ब्लजिंग बोला जाता है आई बोल्स की। जब भी फूड स्वेलिंग होती है, फूड की स्वेलिंग होती है, वाई स्वेलिंग फूड फ्रॉग क्या करेगा, डिप्रेस द आई कोजिंग द ऑर्बिट्स टू ब्लज इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ ये क्या हो जाएंगी, ब्लज इन हो जाएंगी, या फिर इन ब्लज हो जाएंगी, एंड जिसकी वजह से फूड जो है वो क्या कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा फेरिंग्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है यहाँ पे, ये बक्कल कैविटी हो गई, यहाँ पे माउथ बक्कल कैविटी, फूड जो है नेक्स्ट आएगा फेरिंग्स के अंदर। अब इसके अंदर जो फेरिंग्स होता है, पोस्टीरियरली बक्कल कैविटी पासिस विदाउट डिमार्केशन इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। यहाँ पे कोई ऐसी डिमार्केशन नहीं होती कि यहाँ पे बक्कल कैविटी खत्म हुई और यहाँ पे फेरिंग्स स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसी टाइप की यहाँ पे क्या है, कोई डिमार्केशन नहीं होती है, कोई यहाँ पे ऐसा जो है, कोई यहाँ पे ऐसा स्फिंक्टर भी नहीं होता है जो किसको, इसकी एंट्री को या फिर एग्जिट को रेगुलेट करें। तो यहाँ पे विदाउट डिमार्केशन होता है ये, हेंस टू समटाइम्स आर डिस्क्राइब एज अ सिंगल बकोफेरिंजियल कैविटी। इसलिए इन दोनों को कई बार बकोफेरिंजियल कैविटी बोला जाता है, ठीक है, सिंगल इसको क्या बोला जाता है,
इसको बक्को-फेरिंजियल कैविटी बोला जाएगा। है ये दो, लेकिन कई बार इनको सिंगल बक्को-फेरिंजियल कैविटी की तरह दर्शाया जाता है। वेरियस अपर्चर्स ओपन इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर कई टाइप के अपर्चर्स खुलते हैं। अमीजियन एलिवेशन ऑन द फ्लोर कैरीज अ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट लाइक अपर्चर द ग्लोटिस। अब यहाँ पे एक जो फेरिंग्स के अंदर जो जो चीजें ओपन होंगी, जो अपर्चर्स ओपन होंगी, सबसे पहले यहाँ पे ग्लोटिस होता है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ग्लोटिस होता है, लीडिंग इनटू द लेरिंजो ट्रेकियल चैम्बर, जो कि लेरिंगो ट्रेकियल चैम्बर के अंदर ओपन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्लिट लाइक अपरेचर होता है जो कि जिसको ग्लोटिस बोला जाता है, ये ग्लोटिस लेरिंजो ट्रैकियल चैम्बर के अंदर ओपन हो जाता है। इन मेल फ्रॉग ऑन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स ऑन आइदर साइड नियर द एंगल्स ऑफ टू जार्स, ठीक है, इफ मेल फ्रॉग के अंदर जो फ्लोर है फेरिंग्स का ऑन आइदर साइड, दोनों ही साइड में नियर द एंगल्स ऑफ टू जार्स, जहां पे ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे ये होते हैं, इज प्रेजेंट द स्मॉल ओपनिंग ऑफ वोकल सैक। यहाँ पे वोकल सैक की एक स्मॉल ओपनिंग देखी जाती है, एंड वोकल सैक जो है यहाँ पे रेजोनेटर्स की तरह एक्ट करते हैं क्रोकिंग के टाइम पे, जब आवाजें निकालते हैं, क्रोक करते हैं, तो उस टाइम पे जब इनको अपनी पार्टनर को जो है अट्रैक्ट करना हो उस टाइम पे आवाजें निकालते हैं, तो ये उसके वोकल सैक्स इसके अंदर हेल्प करते हैं। तो ये फेरिंग्स हो गया। इसके अलावा फेरिंग्स अब्रप्टली टैपर्स बिहाइंड टू लीड इनटू ईसोफेगस, एंड ये ईसोफेगस के अंदर ओपन हो जाएगा थ्रू अ वाइड ओपनिंग द गलेट। यहाँ पे एक गलेट प्रेजेंट होगा, इस गलेट के थ्रू ये क्या हो जाएगा, फेरिंग्स जो है ईसोफेगस के अंदर ओपन हो जाएगा। तो फेरिंग्स क्या है, बक्कल कैविटी फेरिंग्स के अंदर खुलती है, लेकिन कोई एज सच डिमार्केशन नहीं होती है, तो कई बार इनको बक्को फेरिंजियल कैविटी भी बोला जाता है। एंड बहुत सारे अपरेचर्स यहाँ पे खुलते हैं फेरिंग्स के अंदर। एक यहाँ पे ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस लेरिंगो ट्रैकियल चैम्बर के अंदर खुलता है, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो फेरिंग्स का फ्लोर होता है उनके दोनों साइड पे जहां पे लोअर एंड अपर जाके एंगल्स बनते हैं, वहां पे वोकल सैक्स की ओपनिंग होती है। वोकल सैक क्या करते हैं, क्रोकिंग यानी कि साउंड निकालने में हेल्प करते हैं। एंड एक ओपनिंग होती है यहाँ पे गलेट, गलेट के थ्रू क्या हो जाए गलेट, देन गलेट से यहाँ पे इसोफेगस के अंदर फेरिंग्स ओपन हो जाए। तो ईसोफेगस नेक्स्ट क्या है, ये वाली पोर्शन यहाँ पे ईसोफेगस हो गई। तो ईसोफेगस जो है एक शॉर्ट वाइड मस्कुलर एंड हाईली डाइटेंसिबल ट्यूब होती है। इट्स म्यूकल एपिथेलियल लाइनिंग इज फोल्डेड लॉन्गिट्यूडनली एंड कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात की थी कि बकल कैविटी की लाइनिंग जो है वो कोलुमियर एपिथेलियल सेल्स की थी, वैसे ही यहाँ पे म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनली फोल्डेड लॉन्गिट्यूडनली, एंड इसके अंदर भी म्यूकस ग्लैंड होती है जैसे कि बक्कल कैविटी की लाइनिंग में थी। तो यहाँ पे भी क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलती है। लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग ऑफ द इसोफेगस अलाउज द एक्सपेंशन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फूड इन टू द स्टमक। एक्सपेंशन जो होगी, फूड जाएगा स्टमक के अंदर इसोफेगस से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इसोफेगस देन किस में चला जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा। तो ये इसोफेगस जो है ये क्या करता है, एक्सपेंड होता है, क्योंकि कैसे हो सकता है एक्सपेंड, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स होती हैं उनके थ्रू ये एक्सपेंड कर सकता है। ग्लैंडुलर लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस सीक्रेट एन एल्कलाइन डाइजेस्टिव जूस। इसके अलावा यहाँ पे ग्लैंडुलर लाइनिंग भी होती है। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, एक तो हमने लीवर और पैनक्रियाज हम डिस्कस करेंगे, साथ में यहाँ पे जैसे म्यूकस ग्लैंड है ये भी सीक्रेट करती है म्यूकस को। ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है ईसोफेगस की, ठीक है, ईसोफेगस की लाइनिंग कैसी होती है, ग्लैंडुलर लाइनिंग होगी। ग्लैंडुलर लाइनिंग जो है एक अल्कलाइन डाइजेस्टिव फ्लूड सीक्रेट करेगी। इन द पेरिटोनियल कैविटी ईसोफेगस इनलार्ज टू मर्ज इंटरसेप्शनली विद स्टमक। एंड इसके बाद यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इसोफेगस एनलार्ज हो जाता है, एंड एनलार्ज होके ये स्टमक के अंदर खुल जाएगा, फिर उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे स्टमक हो गए, थोड़ी सी इनलार्ज ओपन बड़ी हो गई है, वाइड हो गई है स्टमक। स्टमक
लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है बॉडी की, तो ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड में होती है। अटैच टू द डोर्सल बॉडी वॉल बाय अ मेसेंटरी कॉल्ड मेसोगैस्टर। एंड यहाँ पे कुछ मेसेंटरीज होती हैं जिनको मेसोगैस्टर बोला जाता है, उनसे ये डोर्सल बॉडी वॉल से अटैच होती है। इट इज लार्ज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, ब्रॉड एंड स्लाइटली कर्व्ड बैग होता है। ठीक है, ऐसे स्लाइटली कर्व है ये, स्लाइटली कर्व बैग होता है और ट्यूब होती है विद थिक मोस्कुलर वॉल्स। मोस्कुलर वॉल इसकी थिक होती है, स्टमक की मोस्कुलर वॉल कैसी होंगी, थिक होगी। स्टमक के अंदर फर्दर दो पोर्शंस होते हैं, लार्ज ब्रॉडर इंटीरियर पार्ट जिसको कार्डियक स्टमक बोला जाता है एंड शॉर्ट नैरोर पोस्टीरियर पार्ट जिसको पाइलोरिक स्टमक बोला जाता है। ठीक है, लार्ज एंटीरियर पार्ट जो होगा, आगे वाला पार्ट होगा, इसको बोला जाता है कार्डियक स्टमक और पीछे वाले पार्ट को यहाँ पे बोला जाता है पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, दो पार्ट पोर्शन हो गए, पाइलोरिक एंड कार्डियक स्टमक। The inner surface of the stomach has several prominent longitudinal folds which allows its distension when food is received. जैसे कि longitudinal folds esophagus के अंदर थे ताकि food easily pass हो जाए, वैसे ही जो stomach का inner surface होता है वहाँ पे भी कुछ prominent longitudinal folds होते हैं एंड ये longitudinal folds इसके expansion में इसको allow करते हैं ताकि food इसको easily receive हो जाए। एंड स्टमक की म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग होती है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। मल्टी सेलुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे होगी एंड ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है एंड यूनी सेलुलर ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे स्टमक के अंदर दो टाइप की ग्लैंड होगी, एक यहाँ पे होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन एंड एक यहाँ पे होती है ऑक्सेंटिक सेल। ये मल्टी सेलुलर होती है और ये यूनिसेलुलर होती है, ये सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सिक्रीट करेगी। जैसे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है वैसे यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑक्सेंटिक सेल्स होती है वो क्या करेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेगी जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा। The posterior of the pyloric end of stomach is slightly constricted. Posterior part जो है जैसे आगे से आया था वो थोड़ा सा चौड़ा था, ब्रॉड था, लार्जर था, लेकिन जैसे ही पीछे जाएगा ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ये slightly constricted हो जाएगा, ऐसे constricted ये हो जाता है। And its opening into small intestine is guarded by a circular ring like sphincter muscle जिसको pyloric wall बोला जाता है। अब जब ये नेक्स्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होगा उससे पहले इसके अंदर एक सर्कुलर रिंग लाइक स्फिंक्टर मसल होती है जिसको पाइलोरिक वाल बोला जाता है। स्टमक सर्व्स फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन होता है एंड स्टोरेज होता है स्टमक के अंदर। स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, कोल्ड एंड नैरो ट्यूब होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, लॉन्ग होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अटैच्ड मिड डोर्सली टू द बॉडी वॉल बाय मेसेंटरीज एंड मिड डोर्सली ये अटैच होती है बॉडी वॉल से बाय मेसेंटरीज। ठीक है, मेसेंटरीज से ये अटैच होती है। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। एक स्मॉल इंटीरियर ड्यूडेनम होता है, ठीक है, इसके अंदर एक ड्यूडेनम पार्ट होता है एंड अ मच लॉन्गर पोस्टीरियर इलियम होता है। ये लॉन्गर इलियम पार्ट होता है इसके अंदर। म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स बिसाइड्स इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इसके अलावा म्यूकोसल लाइनिंग यहाँ पे जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे दो टाइप की सेल्स होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो होगी होगी लेकिन दो टाइप की सेल्स भी होंगी। एंड लार्ज गोबलेट सेल्स कंटेनिंग ओवल वेक्यूल्स एंड ग्रैनुलर सब्सटेंसेस व्हिच पॉसिबली प्रोड्यूस म्यूकस। ये भी क्या करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस ऑफ द सेल। सेल का जो न्यूक्लियस है वो बेस की तरफ होता है। द स्मॉल एब्जॉर्बिंग सेल विद ओवल न्यूक्लियाई नियर द बेस एंड यहाँ पे स्मॉल एब्जॉर्बिंग सेल्स होती है जो कि इनका ओवल न्यूक्लियाई होती है और वो बेस की साइड देखने को मिलती है। अब इसके अंदर जो दो पोर्शंस थे ड्यूडेनम एंड इलियम, ड्यूडेनम जो होगा यहाँ पे इट रन्स अहेड पैरेलल टू द स्टमक फॉर्मिंग यू, एक यू शेप का यहाँ पे ये बना देता है। इट रिसीव्स अ कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये क्या क्या रिसीव करता है,
एक तो कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो आती है, ये जो यहाँ पे ओपन होगी, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ से आएगी? लीवर से आएगी। एंड पेनक्रियाज ब्रिंगिंग बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, एंड पेनक्रियाटिक जूस लेके आएगी, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस आएगा वो लेके आएगी। यानी कि हिपैटो लीवर के वर्ड, ली वर्ड आ गया, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक पेनक्रियाज के लिए आ गया। तो इस हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर यहाँ पे लीवर से एंड पेनक्रियाज से दोनों से ही सिक्रीशंस आती है। द इंटरनल म्यूकस लाइनिंग फॉर्म्स न्यू ट्रांसवर्स लो ट्रांसवर्स फोल्ड। इसके बाद जो इंटरनल म्यूकस लाइनिंग होती है वहां पे ट्रांसवर्स फोल्ड बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। एंड इसके बाद है इलियम, एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का एंड मेक सेवरल लूप्स, ये जो है ऐसे लूप्स बना लेता है, लूप्स बना लेगा, एनलार्जिंग पोस्टीरियर टू जॉइन द रेक्टम। एंड एनलार्ज होता है ये, पोस्टीरियर तक जाता है जब तक कि ये रेक्टम तक ना पहुंचे, ठीक है, रेक्टम तक ये नेक्स्ट पहुंच जाएगा। द इंटरनल म्यूकस लाइनिंग फॉर मैनी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड बनेंगे बट देर आर नो ट्रू विलाई, यहाँ पे कोई ट्रू विलाई नहीं होती है एंड डिफाइंड ग्लैंड भी नहीं होती है, एंड क्रिप्ट एज इन हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, क्रिप्ट्स भी नहीं होते हैं यहाँ पे जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं। तो ये जो है इलियम के अंदर ये सब चीजें यहाँ पे देखने को। डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, या फिर डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ द फूड एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो डाइजेस्टेड फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के अंदर ओपन हो जाएगी। रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो होगा यहाँ से ओपन होगा, शॉर्ट वाइड ट्यूब होती है, अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, रनिंग स्ट्रेट बिहाइंड ओपन इनटू द क्लोइका, क्लोइका के अंदर ओपन होगी बाय एनस एंड गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर, एंड एनस के थ्रू ये ओपन होगी क्लोइका के अंदर, एंड यहाँ पे एनल स्फिंक्टर होते हैं जिसके थ्रू एनस जो है गार्ड की जाती है। इट्स इनर लाइनिंग फॉर्म्स न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, इसकी भी इनर लाइनिंग जो है वो टाइप के लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स फॉर्म करती है। फंक्शन क्या है इसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीसिस, ठीक है, फीसिस की प्रिपरेशन एंड उनका स्टोरेज एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम का फंक्शन होता है। एंड लास्ट वन इज दिस क्लोइका, एंड ये क्लोइकल अपरेचर अपरेचर यहाँ पे होगा। क्लोइका जो होती है यहाँ पे एक स्मॉल टर्मिनल सैक लाइक पार्ट होता है इनटू विच ओपन द एनस एंड यूरिनोजेनाइटल अपरेटस, यूरिनोजेनाइटल अपरेटस एंड जो एनस है वो इसके अंदर ओपन होगा। क्लोइका ओपन्स टू आउटसाइड बाय द वेंट और क्लोइकल अपरेटस, एक क्लोइकल अपरेटस और इसको वेंट बोला जाता है, इसके थ्रू ये बाहर की तरफ ओपन हो जाएगी, लाइंग एट द हाइंड एंड ऑफ द बॉडी, बॉडी के हाइंड एंड पे ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने माउथ टू क्लोइका जो पार्ट्स है वो डिस्कस कर लिए। सेकेंड पार्ट है यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बिसाइड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक के अंदर थी, इंटेस्टिनल ग्लैंड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थी, दो यहाँ पे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, लीवर एंड पेनक्रियास, ठीक है, लीवर एंड पेनक्रियास यहाँ पे होती है। तो सबसे फर्स्ट लीवर, लीवर एक रेडिस ब्राउन मल्टी लोब्ड ग्लैंड होती है लोकेटेड क्लोज टू द हार्ट एंड लंग्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे ये क्या है, एक मल्टी लोब्ड ग्लैंड है, रेडिस ब्राउन कलर की होती है जो कि नियर द हार्ट एंड लंग्स के पास प्रेजेंट होती है। इसके अंदर तीन लोब होते हैं, राइट लेफ्ट एंड मीडियन, ठीक है, राइट लेफ्ट एंड मीडियन, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो गया, दिस वन इज राइट एंड ये बीच वाला क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। The innumerable polygonal cells of the liver secrete a greenish alkaline fluid, the bile. Liver क्या secrete करेगा? एक innumerable एक greenish alkaline fluid secrete करेगा जिसको bile बोला जाता है। Liver के अंदर यहाँ पे polygonal cells होती हैं जो कि इस bile को secrete करेंगे। It is stored in a large spherical greenish thin walled sac जिसको gall bladder बोला जाता है।
इसके अंदर ये इकट्ठा हो जाएगा, इसको गाल ब्लैडर बोला जाता है एंड लाइज बिटवीन द लोब्स ऑफ द लीवर. ये लीवर के लोब्स, ये लोब्स है लीवर के, इनके बीच में ये होता है. सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गाल ब्लैडर, यहाँ पे क्या होगी, एक सिस्टिक डक्ट होगी. सिस्टिक डक्ट जो है ये गाल ब्लैडर से आएगी. सिस्टिक डक्ट जो है ये वाली, ये कहां से आ रही है, ये सिस्टिक डक्ट जो है गाल ब्लैडर से आ रही है. एंड हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट जो है ये लीवर लोब से आएगी. कंबाइन टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट, एंड यहाँ पे एक कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी. एंड इसके अंदर क्या है, एक तो यहाँ पे गाल ब्लैडर से जो है डक्ट आएगी, या फिर हम बोल सकते हैं सिस्टिक डक्ट आएगी. सिस्टिक डक्ट आएगी गाल ब्लैडर से एंड हिपैटिक डक्ट आएगी लीवर से. ये दोनों आपस में ज्वाइन करके एक कॉमन बाइल डक्ट बना लेंगे. इट रन्स थ्रू पेनक्रियाज एंड जॉइंस द पेनक्रियाटिक डक्ट. अब ये पेनक्रियाज के थ्रू यहाँ पे रन करेगी, ये पेनक्रियाज होगी यहाँ पे, एंड ये ज्वाइन करके एक कॉमन डक्ट बना लेगी जिसको हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है. Which ultimately opens into the duodenum, and ultimately ये duodenum के अंदर open हो जाएगी. Bile has no digestive ferments, it only emulsified fats, so that liver is not truly digestive gland. ये truly digestive gland नहीं होती है क्योंकि इसके पास कोई digestive ferments या फिर digestive enzymes नहीं होंगे. सिर्फ ये क्या करती है, fats को emulsify करती है. तो ये हो गया liver यहाँ पे. नेक्स्ट है पैनक्रियास. पैनक्रियास ऑफ द फ्रॉग इज मच ब्रांच्ड एंड रेगुलर फ्लैटेंड एंड येलो कलर्ड ग्लैंड लाइंग इन द मेसेंटरी बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम. ड्यूडेनम एंड स्टमक के बीच में ये लाई करती है. पैनक्रियास यहाँ पे एक कंपाउंड ग्लैंड होती है. पैनक्रियास क्या होती है, कंपाउंड ग्लैंड होती है. पैनक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड होती है. कंपाउंड ग्लैंड का मीनिंग है उसके अंदर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दो पार्ट होते हैं. तो पैनक्रियास के अंदर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट होंगे. एंडोक्राइन पार्ट जो है फॉर्म्ड बाय स्कैटर्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैन्युफैक्चरिंग द हार्मोन इंसुलिन. ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करेगा विद जो कि कंसर्न्ड होता है सुगर मेटाबॉलिज्म के साथ. एंड एक्सोक्राइन पार्ट जो है ये सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस एंड कंटेनिंग सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. तो एक एंडोक्राइन पार्ट हो गया, एंडोक्राइन इंसुलिन सीक्रेट करेगा, एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा. ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. पैनक्रियास हैज नो इंडिपेंडेंट डक्ट एंड इट्स पैनक्रियाटिक जूस इज कन्वेड इनटू ड्यूडेनम थ्रू हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. इसकी कोई अकेली डक्ट नहीं होगी, ये जो डक्ट आई थी पीछे से कहां से आई थी, जब सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट दो यहाँ पे हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट मिल गई थी, एक कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गई थी. ये कॉमन बाइल डक्ट जो है पैनक्रियास तक आएगी, तो ये पैनक्रियास की डक्ट को यहाँ पे जोड़ के हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना लेगी एंड ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन होगी. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डक्ट नहीं होती है, इसका जो भी जूस होगा पैनक्रियाटिक जूस वो ड्यूडेनम के अंदर कन्वे किया जाएगा थ्रू हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. तो यहाँ पे हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर एलिमेंट्री नाल के पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.